ये आप देख सकते हैं कि ये दुबे की चर्बी में ये बन रही है, लग रहे ये टेस्ट में अच्छी हो। खान साहब टेस्ट में अच्छी होगी, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। खान साहब कह रहे हैं जी, खान साहब तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे गैस पे पका रहे हैं ना, कढ़ाई पे, उस पर लकड़ी पे नहीं है। जैसे बाकी जगहों पे लकड़ी में पक रही होती है, यहाँ पे उस तरह से लकड़ी में नहीं पक रही, यहाँ पे गैस पे पक रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वासिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फूड रिव्यू चैनल लाहौर हैंगआउट, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मज़े मज़े के खाने और बताता हूँ उनके टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आज के ज़रूरी ऐलानात सुन लें। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करें तो घंटी के आइकॉन को आपने दबा के साथ में ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको वो फ़ौरन ही मिल जाए और आप एक ज़बरदस्त मज़ेदार और लजीज वीडियो आप देख सकें। और साथ ही आपने कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने अपने तासुरात, ख्यालात, एहसासात, जज्बात, साथ में आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके वीडियो देखते हुए आपके मुंह में पानी भी आए। तो आए फिर आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं जर्सी टिक्का। जर्सी टिक्का है जौहर टाउन में। आप अगर शौकत खानम की अल्लाह बोल चक्कर की तरफ, शौकत खानम की तरफ जा रहे हो, तो आपके लेफ्ट पे जर्सी टिक्का आएगा। और आज हम यहाँ से इनकी दुम्बा कढ़ाई और साथ में दुम्बा के, और हम कोशिश करेंगे कि चपली कबाब भी ट्राई करेंगे। तो आए फिर आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ दुम्बा नहीं, यहाँ पे सज्जी भी मिल सकती है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये टिक्के बन रहे हैं, नमकीन टिक्के। दोस्त, इसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा अंदाजन? 40 से 50 मिनट बोल रहे हैं कि जी इसको बनने में 40 से 50 मिनट लगेंगे, और अभी ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ये शिनवारी है ना, ये जी शिनवारी दुम्बा कढ़ाई बन रही है। वो सुलेमानी, वो सुलेमानी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये है जी हमारी, अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट हुई है। हाँ साहब, कितना टाइम लग जाता है कढ़ाई बनने में? 40 मिनट। कितने? 40 मिनट। 40 मिनट कह रहे हैं जी खान साहब, तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे गैस पे पका रहे हैं ना कढ़ाई, उस पर लकड़ी पे नहीं है। जैसे बाकी जगहों पे लकड़ी में पक रही होती है, यहाँ पे उस तरह से लकड़ी में नहीं पक रही, यहाँ पे गैस पे पक रही है। देखने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये है जी सुलेमानी। ये भी सुलेमानी बनने लगी है ना? हाँ भाई, सुलेमानी।
किलो यही है। ये है हमारी कढ़ाई, ये कितनी रह गई? 15 मिनट। कितनी? 15 मिनट रह गए जी इसके तैयार होने में। देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मुझे उम्मीद है कि हम जब इसको टेस्ट करेंगे तो हमें टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चले अभी और वेट करते हैं, देखते हैं कि अभी आती है। चर्बी का ऑयल है, चर्बी का ऑयल है, दुम्बे का। ये दुम्बे की चर्बी का ऑयल है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये दुम्बे की चर्बी में ये बन रही है। लग रही है ये टेस्ट में अच्छी हो, खान साहब टेस्ट में अच्छी होगी, मज़ा आएगा। ये खान साहब कह तो रहे हैं कि मज़ा आएगा। तो जी ये नमकीन टिक्के आ गए हैं दुम्बे के, और देखने में ये लग तो अच्छे रहे हैं, और खा के भी आपको बताते हैं कि टेस्ट में कैसे हैं। देखने में तो अच्छे हैं, और साथ में ये हमने चपली कबाब मंगवाए हैं, बीफ चपली कबाब। ओह देखने में तो ये भी ज़बरदस्त लग रहे हैं, करें जी ट्राई। ले जी ये साथ में दुम्बा कढ़ाई भी आ गई है, हो चुके हैं। ओहो देखने में कितनी ज़बरदस्त है, अभी देखते हैं इसको ट्राई करते हैं, मुझे उम्मीद है खाने में भी इतनी अच्छी होगी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुम्बे के टिक्के, वो कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट मीट है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ मज़ा आ गया जी, बहुत ही ज़बरदस्त मीट है, बहुत जान है, बहुत मज़ा आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यार कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा मीट है, बहुत अच्छा गला हुआ है। टेस्ट अब देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। वाओ मज़ा आता, बहुत ज़बरदस्त मीट है, तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त गला हुआ है, बहुत मज़ा आया। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इनका टेस्ट इतना अच्छा होगा, टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रह गए चपली कबाब, चपली कबाब भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़बरदस्त यार, तीनों चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं, और बहुत अच्छा मीट, ये बहुत अच्छी गली हुई है कढ़ाई भी, और साथ में जो हमने ये रिब्स ट्राई की ये भी बहुत अच्छी हैं, और साथ में जो चपली कबाब हैं ये बहुत नरम, बहुत जूसी, बहुत टेस्टी हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। अभी देखते हैं बाकी लोग भी ट्राई करेंगे तो उनसे देखते हैं उनको कैसे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, थैंक यू। थोड़े Thank you.